फ्रेंड्स, आज हमने ब्लॉगिंग से कर ली है छुट्टी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो हम तेरे शहर में आए हैं, कोई भी शहर हो, हम कहीं भी घूमने फिरने बाहर जाते हैं अपने शहर छोड़ करके, तो उस शहर की कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर होती है जो हमें याद रहती है और फेमस भी होती है। तो पता है, मैं दिल्ली जब टूर पे गई थी अभी 4-5 दिन के अपनी सिस्टर के घर गृह प्रवेश में, तो आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, वहाँ के मैंने सब जगह चांदनी चौक वगैरह और भी जगह की मैंने दिखाया था सब जगह का घूमने का अपना। तो मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, बहुत नाम है उसमें, भूल चुकी हूँ। और शशि जी ने तो हमेशा ही मुझसे कहा, राखी जब तुम लौट कर आओगी तो मुझे वहाँ की शॉपिंग वगैरह, क्या शॉपिंग की है तुमने वो दिखाना, ठीक है ना। तो शशि जी, बहुत सी तो शॉपिंग ऐसी है कि मैं स्टे करती हुई आई, जिसके लिए लेना था उसका बांट दिया। जब अपनी बरेली में आई तो मैं, लोगों ने मुझसे साड़ियाँ मंगाई थी क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी मैं जितना जितना सामान था सब जिस चीज़ का था वो बांट चुकी हूँ। जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे साथ वो आपको साथ शेयर करूँगी। और वैसे तो मेरी बरेली के झुमके भी बहुत फेमस हैं, बरेली झुमके के नाम से मेरी फेमस है, फिर भी वहाँ से मैं झुमके लाई क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते और अच्छे रेट में मिलते हैं। जो 50 रुपये के वहाँ मिलते हैं वो यहाँ 500 रुपये की रेट तक पहुँच जाते हैं झुमके। तो वहाँ से मुझे झुमकों का बहुत शौक है, आपने मेरी वीडियो पे ही देखा होगा, मुझे झुमकों का बहुत शौक है कानों में पहनने का, गले में इतना शौक, मैं बहुत कम पहनती हूँ गले में। तो आपके साथ शेयर करूँगी कानों के, मैं थोड़े बहुत लेकर आई हूँ, जो ड्रेस ये पहनी हूँ, ये सूट भी लाई, डेली यूज के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो बहुत से 2-3 जोड़ी तो मैं यूज कर चुकी हूँ घर में, आपने वीडियो में भी मेरा देखा होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले कानों के पहनने के, ठीक है, कि मैं क्या कौन कौन सी लाई हूँ, ठीक है ना। पता है फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी बरेली भी झुमके वाली बरेली के नाम से, और हमारी बरेली में झुमका भी बहुत बड़ा लगा हुआ है, एक बनाया है बहुत अच्छा सुंदर सा, उसका आपको कभी वीडियो बना करके लाएंगे अगर गए हम। लेकिन दिल्ली से भी मैं थोड़ा झुमके लेकर आई हूँ बहुत, और आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा, अभी मैं बैठ चुकी हूँ, मुझे कानों के बहुत शौक है। ये देखिए, ये मैंने रक्षाबंधन पर डाले थे, आपने देखे होंगे, ये देखिए कितने सुंदर है ना, 50 की रेंज की, और यहाँ मार्केट में ये 300, कम से कम 300 से कम नहीं देंगे ये लोग, बताइएगा, ठीक है ना। और मैं, मुझे बड़े बड़े शौक है कानों के, तो बड़े जितने बड़े हों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये नहीं पहने हैं अभी मैंने, ये कभी पहन करके दिखाऊंगी। ये देखिए 50 रुपीज के, ये देख कितने अच्छे, लाजपत नगर से लिए थे मैंने ये, बताइएगा कैसे लग रहा है। लाजपत नगर में सारी ज्वेलरी 50 या 100 रुपए की थी सारी, है ना। और गले का भी मैंने रक्षाबंधन पे अपने ये डाला था, आपने देखा होगा, साड़ी पे पहना था मैंने ये, ये देखिए कितना सुंदर है, ये भी 100 रुपए की, ये देखिए है ना, ये भी 100 रुपए का है, बताइएगा कैसा लगा। मैंने देखा हुआ था, लॉन्ग में है, मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, देखिएगा। और इसके कानों के भी हैं, बाकी ये देखिए मेरी सिस्टर रहती है दो, बाकी तो मैं मंगाती रहती हूँ, कुछ मंगा लूंगी जरूरत होगी। लेकिन हाँ, मैं पहली बार वहाँ दिल्ली की मार्केट निकली थी, चांदनी चौक, लाजपत नगर और क्या है, लक्ष्मी नगर है क्या है, तो वहाँ पे भी गई थी। और बाकी मैंने कुर्ती वगैरह ली है, वो आपको दिखाती हूँ, कुर्तियाँ ये सूट लिया है मैंने, ये कुर्ती, ये कुर्ती है, देखिए ये कुर्ती है, रियोन कपड़ा है सबका, और ये प्लाजो इसका, देखिए, और ये पहनी हुई डेली यूज में लाई थी पहने, तो मेरी वीडियो में बहुत बार आपने ये देख लिया होगा। और बाकी मेरी जो सिस्टर के यहाँ गृह प्रवेश था, उसकी बेटी ने मुझे ये कुर्ती दी थी, देखिए ये भी मैं पहन चुकी हूँ वहां पे, आपने देखा होगा जब मैं घूमने गई थी तो मैंने ये डाल ली थी उसकी कुर्ती, उसकी मेरी दीदी की बेटी सुरभि ने दिलाई है ये मुझे।
और इसके नीचे प्लाजो है येलो कलर का, देखिए काफी घेर वाला प्लाजो है इस टाइप का, तो शरारा टाइप का होता है ना वही है। और पता है मेरे कपड़े आपको बाद में एक बार शेयर जरूर करूंगी अपनी, ठीक है। ये देखिए ये भी आपने मेरा पहने देखा होगा, ठीक है। ये देखिए ये भी लॉन्ग में है ना। और बाकी पता है चांदनी चौक से एक, पता है मैं चलते चलते एकदम से दिखा, देखिए येलो कलर का कितना खूबसूरत है, ये सिलवाना है। ये मैंने पता रख दिया है, मेरी सिस्टर की ना बेटे की शादी होने वाली है मतलब, तो मैं उसकी हल्दी में ये सूट सिलवाऊंगी, पटियाला सलवार और कुर्ती, देखिए कितनी सुंदर, और इसका दुपट्टा भी देखिए कितना खूबसूरत है ना। तो ये पटियाला सिलवाऊंगी, मजा आ जाएगा, हल्दी के टाइम पहनूंगी ये। और पता है फ्रेंड, बाकी मेरी शॉपिंग बहुत है, मेरी सिस्टर ने मुझे साड़ी दिलाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। उसने मुझे साड़ी दी है और वो भी मैंने चांदनी चौक से, उसने मुझे साड़ी दिलाई है, बहुत अच्छी है, 100 वर्ष की साड़ी है। तो ये है साड़ी, आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए साड़ी, ये देखिए इसका ब्लाउज है ये रखा हुआ है ना। इसका पता है कलर बहुत अच्छा है। तो शशि जी ने जो भी शॉपिंग थी मैंने दिखा दी है, बाकी बहुत सी शॉपिंग मैंने जिसने मंगाया था सामान उसका बांट कर छुट्टी कर दी, ठीक है। और पता है मेरे हमेशा साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े बनते थे शादी से पहले, लेकिन मेरा इतना पहनने का होता है ना, मैं तुरंत कपड़े पहन पहन के अपने ख़राब कर देती हूँ। और मुझसे जो छोटी बड़ी सिस्टर है ना बबीता, जिसके मैं गृह प्रवेश में हुई थी, उसके बहुत बहुत पुराने सूट भी बिल्कुल ऐसे फ्रेश रखे रहते थे, बिल्कुल बढ़िया मस्त, कि जैसे अभी आए हैं इसके। लेकिन मैं अपने कपड़े बहुत जल्दी भाई फाड़ लेती थी, बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, और हम लोग साथ साथ जो बनवाते थे, मैं कहती अरे तुम्हारा तो कपड़े अभी तक इतने बढ़िया रखे हुए साहब, मेरा तो फट के जरा कहाँ सूट पहुँच गया। वही मेरे बेटे में आदत गई है, आते ही नए कपड़े, ये है शैतान छोटे का हमारा, तो इस शैतान की भी आदत यही है, नए कपड़े फटाफट फाड़ देता, फिर कहता है मेरे पास कपड़े नहीं है। कहीं चलने को होता तो सबसे पहले मेहुल की ही शॉपिंग होती है कि भाई मेहुल पे कपड़े नहीं है। तो बस ये शॉपिंग थी। और मैंने जैसे कि ब्लॉगिंग में बोला था अपनी, कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपनी ब्लॉगिंग अलग हटके डेली रोज कर करके डालूंगी कुछ ना कुछ। तो आज मैं सोच रही हूँ इतनी बातें काफ़ी हो गई, या कुछ और भजन वगैरह सुना दूँ आपके लिए ढोलक पे, बताइएगा। तो आज हम कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि रात में उनकी बर्थडे थी, तो हम काफ़ी काम हो ही जाता है, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो। तो सुबह मॉर्निंग से ले गए बस समेटा समाटी में और सब तैयारियों में लगे हुए हैं ऐसे ही, तो पूरा दिन निकल गया। तो आज हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं दिखाई है। और बाकी फ्रेंड्स, जब परसों संडे को हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, हम भाई बहनों की पार्टी परसों हम अपलोड करेंगे रात को। देखिए पार्टी रात में 9:30 बजे तक तो शायद ख़त्म होगी संडे को, तो हम रात में ही ब्लॉग 11 या 11:30 तक डाल पाएंगे, अपना अपलोड कर पाएंगे ब्लॉग, या नेक्स्ट डे करेंगे तो आपको दिखाएंगे जैसा भी होगा, ठीक है ना। और बाकी हम छोटा सा एक बहुत अच्छा सा आपको भजन सुनाएंगे अभी ढोलक पे। हमने बोला था ना कि हम ब्लॉगिंग डेली नहीं, अब मंडे से अपना कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे ब्लॉगिंग डेली अलग तरीके की, कभी कुछ बदल बदल कर दिखाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लिखने का शौक भी बहुत है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, और लिखने के लिए भी माइंड जो है ना थोड़ा अलग सा चाहिए, एक मतलब लिखने का मूड भी कभी कभी बनता है ना, तो कभी लिखूंगी। और कुछ बहुत टाइम से लिखा नहीं है और आपको कुछ सुनाया भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस भजन डालूंगी छोटा सा, कहते हैं ना पुरानी चीज़ पुरानी ही होती है ना, तो पुराने भजन की बात ही अलग है। तो पता है भजन सुनाने से पहले मैं एक बात शेयर करूंगी, एक मेरी सब्सक्राइबर है न्यू अभी, साधनाज बास्केट, तो बहुत ही अच्छी है पता है, वो मेरी वीडियो पर डेली आती हैं और कहते हैं ना कभी कभी दोस्ती किसी से करो तो 1 साल की दोस्ती बेकार है, किसी से 1 दिन की हुई दोस्ती भी अच्छी है। तो वास्तव में बहुत अच्छी हैं और मेरी पुरानी पुरानी वीडियो पर आकर कमेंट्स कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना दोस्त हों तो ऐसे ही हों, ऐसा नहीं हो कि आज हमने सब्सक्राइब किया कल अन कर दिया, लोग करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं अगले दिन अन कर देते हैं। तो दोस्ती वास्तव में दोस्ती हो तो निभाने वाली हो,
भले ही आप सब्सक्राइब ना करें उससे, तो कोई भी वो मेरी वीडियो हो या किसी की वीडियो पे भी आप जाएं तो सब्सक्राइब करें, तो ऐसा नहीं है अगले दिन हटा दें वो आपकी वीडियो पे नहीं गया तो नहीं हम नहीं हटा देंगे। तो प्लीज, मेरी नहीं सबकी ही यही प्रॉब्लम है, तो दोस्ती करो तो उसको ढंग से निभाओ भी ना, तो ठीक है ना। तो हम चलिए एक भजन सुनाते हैं प्यारा सा छोटा सा, तो सुनिएगा छोटा सा प्यारा सा मेरी मम्मी का बहुत ही पुराना भजन। कभी भी पहले के तो ये होता था कि कोई भी हमारे द्वार पे अगर भीख मांगने भिक्षा मांगने आया तो हम लोग खाली हाथ नहीं भेजते थे, क्यों, भगवान किस रूप में लेंगे। आजकल कलयुग है और हम लोग आए हुए अति को भी दरवाजे पे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, तो एक के चक्कर में सबका हम लोग किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी भीख मांगने आया, लेकिन पहले यही होता था कोई भिक्षा मांगने आता था तो वापस नहीं करते थे किसी को जल्दी। तो बताइएगा मेरा भजन कैसा लगा, और बड़े प्रेम से वास्तव में हमारी YouTube फैमिली भी सब प्रेम से मिलती रहे, सबकी वीडियो पे आती रहे, और हम भी सबकी वीडियो पे टाइम मिलते जाते रहे। इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं एक हफ्ते दिल्ली में रही, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद मियों की बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, परसों मेरी बर्थडे पार्टी है, तो बस ऐसा ही निकल जाता है। वीडियो पे जा पाती हूँ तो किसी की जा पाती हूँ तो इसको माइंड मत कीजिएगा, तो सबकी वीडियो पे आते रहें और जाते रहें, बस यूं ही हंसते हंसते जिंदगी कट जाए और सबका सहयोग बना रहे। तो बाय बाय, कल कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आऊँगी।